हैं प्रफुल्ल लगातार मंडला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस्तर से कार्तिक जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ लगातार हमारे सभी संवाददाता हर एक सीट पर मौजूद हैं और आप तक पल-पल का अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। सुधीर शहडोल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधीर का रुख कर लेते हैं। सुधीर, फिलहाल कितना मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है, क्या कुछ कह रही है इस वक्त की तस्वीरें? जी देखिए, मैं बता दूं कि सुबह से ही मतदान केंद्रों में काफी भीड़ जुटी हुई थी। हालांकि अब मतदान केंद्रों में भीड़ कम हो गई है, लोग धूप से बचने के लिए अपने जरूरी काम पे जाने के लिए सुबह से मतदान केंद्र पर काफी भारी संख्या में आए थे। अब हालांकि अब धीरे धीरे करके लोग मतदान केंद्रों पर आते जा रहे हैं। इस वक्त मैं पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के राजेंद्र ग्राम के पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ। वो उसे एक आदर्श पोलिंग बूथ के रूप में मनाया गया। इसी पोलिंग बूथ पर बीजेपी कैंडिडेट हिमाद्री सिंह ने भी अपना मतदान किया है और उन्होंने हमसे कुछ बातचीत भी की। उनका ये कहना था इस बार हम 100% जीत रहे हैं और जो 400 बार का जो दावा है, तो उन्होंने कहा कि इस बार 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। इसके अलावा उन्होंने तमाम स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, योजनाएं हैं जो इसे आदिवासी अंचल पे लाने की आवश्यकता है, जिस पर मेरा आने वाले समय पर फोकस रहेगा। यूनिवर्सिटी की बात की, तमाम उन्होंने दावे किए, वादे किए, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसे खास तरीके से बनाए गए इस पोलिंग बूथ को। तमाम साज सज्जा रंग बिरंगे पर्दे गुब्बारे आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम कक्ष बनाए गए हैं, प्रतीक्षा कक्ष है के रूप में, जिनको एक लंबी लाइन यदि लग जाती है, लंबी कतार रहती है, तो लोग यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम वोटर्स भी इस बूथ पर आ रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। शिवम भी हमारे साथ जुड़ गए, लगातार ग्राउंड जीरो पर छिंदवाड़ा से मौजूद हैं। शिवम, क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त की तस्वीरें और मतदान प्रतिशत के बारे में अपडेट भी जरा बताइएगा। देखिए प्रगति, 15.50% मतदान प्रतिशत अब तक हो चुका है छिंदवाड़ा में, वोटिंग लगातार जारी है। विवेक बंटी साहू बड़ी माता मंदिर पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और थोड़ी देर में हम इनसे बात भी करने की कोशिश भी करेंगे। अभी पोलिंग बूथ पर जाएंगे अपने और पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान करेंगे। विवेक बंटी साहू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए छिंदवाड़ा में बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर जनता इस वक्त सड़क बाहर निकल रही है, पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है, मतदान जनता कर रही है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। युवाओं में खासा मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ा मुकाबला है इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। विवेक बंटी साहू बीजेपी की ओर से ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं, इस वक्त मौजूदा सांसद भी हैं नकुलनाथ। विवेक बंटी साहू से बात करने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं और देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। जनता कह रही है कि जनता इस बार चेंज के लिए वोट डाल रही है, विकास के लिए वोट डाल रही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर। छिंदवाड़ा की बात करें, ज्वाइनिंग अभियान यहां पर चलाया गया, लगातार कोशिश यहां पर की गई है, इसके बारे में भी बताइएगा। देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी में कई सारे नेता पहुंचे, बीजेपी के कई नेता पहुंचे, कांग्रेस के कई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और ऐसे में वो कितना माहौल बना पा रहे हैं विवेक बंटी साहू को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मोदी को वोट दे रही है 45 सालों का परिवारवाद, धनबल, षड्यंत्रकारी राजनीति, सामंतवादी राजनीति, जनता इस बार उसको नकारने वाली है। छिंदवाड़े की जनता मोदी को वोट कर रही है, छिंदवाड़े की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रही है, छिंदवाड़े की जनता डबल इंजन की सरकार को देने के लिए वोट कर रही है, और जो छिंदवाड़े की जनता, जो आदिवासियों का अपमान हुआ, जो उन्हें गद्दार और बिकाऊ कहा गया, उसका हिसाब लेने के लिए मतदान कर रही है। तमाम प्रकार का षड्यंत्र देखा गया है, आप कहने का शराब पकड़ी गई है, तो क्या देखते हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए जिला कांग्रेस का महामंत्री 5 लाख रुपए के साथ पकड़ाता है, एक कांग्रेस का नेता जिसका गौ तस्करी में नाम था, जो जिला बदल रहा है, उसकी दूध की गाड़ी में शराब नकुलनाथ जी सप्लाई करवा रहे हैं। कल एक कांग्रेस के नेता के खेत में 700 बोतल पकड़ाई। नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी, विनती है मेरी, हाथ जोड़ के हमारा भविष्य बर्बाद मत करो। क्या इस बार छिंदवाड़ा में कमल खेल रहा है? 12 साल के बच्चों को आप शराब वितरित कर रहे हो, हमारे न्यूज चैनलों का लोगों उपयोग करके आप फर्जी खबरें बना रहे हो, डबिंग कर रहे हो, इतना नीचे मत गिरी है। क्या करने जा रहे हैं पहली बार, वोट करने जा रहे हैं, पहले माता के दर्शन करने, कितना उत्साह देख रहे हैं? बताता मैं गुरुजी, मेरे
मेरे गुरुजी हनुमान जी के दर्शन किया, माता जी के दर्शन किया, अब वोट करने जा रहा हूँ। छिंदवाड़े की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, डबल इंजन की सरकार। कमलनाथ कह रहे थे छिंदवाड़ा की जनता पर उन्हें पूरा विश्वास। आपने तो विश्वासघात किया, छिंदवाड़े की जनता ने 45 साल विश्वास करी, क्या दिए आपने? वो जो चुनाव नकुलनाथ जी से है, आप नकुलनाथ से पूछिए 5 साल में आपने क्या दिया छिंदवाड़े का, आपने तो बर्बाद कर दिया। आपने तो जो कमलनाथ जी के साथ पहले दिन से जो नेता खड़े थे, एक विधायक, आदिवासी विधायक कमलेश साह को अपमानित किया, छिंदवाड़े के महापौर विक्रम आके को दुकाने का काम किया, आदिवासियों का अपमान किया, उन्हें बिकाऊ और गद्दार कह रहा हूँ, छिंदवाड़े की जनता जवाब देगी। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, छिंदवाड़े में कमल खिल गया। विवेक बंटी साहू को आपने सुना, देखिए छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा ये बात कहते हुए नजर आए। हालांकि कांग्रेस पर गद्दारी का आरोप जरूर लगाया विवेक बंटी साहू ने, और कहा कि इस बार जो जनता है, जनता का रुझान बदला है और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर हम विवेक बंटी साहू को सुन रहे थे शिवम। कॉन्फिडेंस उनका साफ तौर पर झलक रहा है, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। उधर दूसरी ओर कमलनाथ को हमने सुना, वो भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा उन्हें से छिंदवाड़ा की जनता पर विश्वास है। हमने देखा शिवम, लगातार छिंदवाड़ा की अगर बात करते हैं तो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, एक ही सीट जो कांग्रेस के पास है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला काफी टाइट दिखाई दिया है। एक तरफ कमलनाथ और उनका पूरा परिवार और दूसरी तरफ बीजेपी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कमलनाथ की तरफ से लास्ट में हमने देखा जीतू पटवारी पहुंचे, लेकिन पूरा परिवार ही मेहनत करते, ताकत झोंकते दिखाई दिए मैदान में। और दूसरी तरफ बीजेपी एकजुट होकर दिग्गज भी पहुंचे, हर एक नेता पहुंचा, मुख्यमंत्री पहुंचे, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए तमाम दिग्गज पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से कमलनाथ आए, नकुलनाथ आए, उनकी पत्नी आई, नकुलनाथ की जो मां है वो वोट करने के लिए पहुंची थी। विवेक बंटी साहू के परिवार से भी यहां पर जो फास्ट फूड पोलिंग बूथ बना हुआ है छापाखाना, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। विवेक बंटी साहू की मां ने भी मतदान किया और उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। और साफ तौर से विवेक बंटी साहू का, उनके परिवार का कहना यह है कि इस बार जो मतदान हो रहा है वो इस बार वोट चेंज के लिए डाल रहे हैं, बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं। हालांकि कमलनाथ भी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उन्हें छिंदवाड़ा की जनता पर भरोसा है, तो वहीं सेम बॉडी लैंग्वेज नकुलनाथ की भी। हालांकि कह पाना मुश्किल है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है प्रगति, क्योंकि वो आने वाली 4 तारीख की डिसाइड करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी 4 जून का। इंतजार आप सभी बने रहिए, लौटेंगे आपके पास, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरु का एक मैसेज आप सभी के लिए सामने आया है।